इस तरीके के बैटरी रिक्शा भी और ऑटो रिक्शा भी मिल जाएंगे यहाँ पे खड़े हुए। सामने एक और कैमल खड़ा है मेरे, और सामने पूरा लेक का व्यू। यहाँ पे आप भाई अपनी पेंटिंग्स भी करवा सकते हो। तो इस साइड से इस पानी को निकाल दिया जाता है इन डोर्स को खोल के। देखो कितने बड़े बड़े डोर्स हैं भाई। आज मैं खड़ा हूँ सुखना लेक चंडीगढ़ सेक्टर 1 में। मेरा ना काफी टाइम से मन था कि आपको प्रॉपर तरीके से एक बार है ना लेक का व्यू दिखाऊं, दोनों साइड से, फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी। तो दोनों साइड है लेक की। तो ये वीडियो उनके लिए है जो फर्स्ट टाइम चंडीगढ़ आ रहे हैं घूमने, या फिर चंडीगढ़ के बाहर आ रहे हैं। कभी कभी आते हैं ना, तो कई बार कुछ ऐसा होता है कि बंदे सिर्फ सामने से घूम के चले जाते हैं, बैक साइड नहीं जाते है ना। तो मैं आपको पूरा प्रॉपर दिखाने वाला हूँ, एक वर्चुअल टूर देने वाला हूँ सुखना लेक का। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि यार अगर यहाँ पे आपने पहुंचना है तो कैसे पहुंचना है ना। तो आप कहीं पे भी रहते हो इंडिया में, किसी भी स्टेट में रहते हो, सबसे पहले आपने बस लेनी है चंडीगढ़ सेक्टर 17 की। वो आपको सेक्टर 17 ISBT उतार देगी, और वहां से आपको सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। ISBT सेक्टर 17 आप उतर जाओगे, उसके बाद आपने ऑटो या लेना है या बस लेना है, वहां से आपको सीधा सुखना लेक की बस या ऑटो मिल जाएगी। हार्डली 5 किलोमीटर का रास्ता है, और आप 15-20 मिनट में यहाँ पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो अभी मैंने पार्किंग में कार लगा ली, आपको पार्किंग दिखा देता हूँ। अगर कोई कार में आएगा अपनी अपने व्हीकल में, तो बहुत खुली डुली पार्किंग है सुखना लेक के सामने भी। तो आप मेरे बाकी व्लॉग्स को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो, जो मैंने चंडीगढ़ के रिलेटेड बनाए हैं या फिर आउट ऑफ चंडीगढ़ भी बनाए हैं, तो सबको आप बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो। तो भाई ऐसे ही थोड़ा और सपोर्ट बढ़ाओ और सब्सक्राइब करो चैनल को, है ना, ताकि और ज्यादा ऑडियंस जुड़े और मैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आऊँ। और अगर कोई भी आपको चीज में दिक्कत लग रही है ना, देखने में कुछ आपको लग रहा है कि ये चीज सही नहीं है, तो मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता दो, है ना, ताकि उसको मैं सुधार सकूं। एनीवेज गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो चलते हैं और आज दिखाते हैं आपको पूरा सुखना लेक चंडीगढ़ का व्यू। आ जाओ मेरे साथ। तो भैया सबसे पहले पार्किंग देख लो, कितनी खुली डुली पार्किंग है। अगर आप आ रहे हो ना अपने व्हीकल के ऊपर, तो आपको दिक्कत नहीं होगी पार्क करने में कार। और सजेशन मेरी यही है कि सुबह 11-12 बजे तक आओ, या फिर उसके बाद शाम को आओ 4 बजे तक, तो उस टाइम आपको अच्छा मौसम मिलेगा और अच्छा व्यू मिलेगा देखने का। तो हमने भी अपनी कार यहाँ पार्क कर दी है, और आप यहाँ पे कैमल राइड भी कर सकते हो। ये देखो आपके सामने कैमल राइड भी है, तो यहाँ से भी आप अपना इंजॉय कर सकते हो। बच्चे हैं जो आपके साथ आएंगे, तो चलो अभी चलते हैं। पार्किंग में भी आपको कैमल मिल जाएगा और आगे भी, तो चलो अभी आगे चलते हैं और आपको पूरा एंट्री दिखाते हैं फ्रंट साइड की। तो पार्किंग में कार लगा के जब आप आगे आके रोड क्रॉस करोगे, तो यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग दे रखी है, तो आप दोनों साइड देख के जब लाइट ग्रीन होगी उस टाइम आप क्रॉस कर सकते हो, है ना। और ध्यान से क्रॉस करना भाई, क्योंकि ट्रैफिक आजकल ज़्यादा हो गई है। तो चलो अब आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे का एरिया। तो आपको इस तरीके के बैटरी रिक्शा भी और ऑटो रिक्शा भी मिल जाएंगे यहाँ पे खड़े हुए। यहाँ से आप आ भी सकते हो, और यहाँ से इनके साथ आप 17 सेक्टर भी जा सकते हो बस स्टैंड तक, है ना। तो पूरा वर्चुअली टूर अभी मैं आपको देने वाला हूँ, तो साथ साथ चलना आप मेरे, और आपको ऐसे लगेगा घर बैठे बैठे कि आप सुखना लेक ही घूम रहे हो। तो एक सामने एक और कैमल खड़ा है मेरे, कैमल राइड भी आपको मिल जाएगी बड़ी आराम से। और अभी मैंने यहाँ से एंट्री की है, आगे चलते हैं। बहुत सही सा बना रखा है भाई ये भी पूरा यहाँ पे ना, जो एंट्री भी बड़ी सही एंट्री है, गार्डन वगैरह। तो आपको वॉशरूम दिखा देता हूँ, वो भी एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है यार, अगर यहाँ पर आप आते हो ना लेडीज़ के साथ आते हो तो बच्चों के साथ ज़रूरी है। तो एंटर करते ही इस लेफ्ट साइड पे आपको वॉशरूम की फैसिलिटी पूरी प्रॉपर मिल जाएगी, तो यहाँ पे आप वॉशरूम वगैरह जा सकते हो। तो चलो अभी हम चलते हैं भाई फूड कोर्ट की तरफ, और यहाँ से फूड कोर्ट की एंट्री या यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है। और चलो अंदर आपको दिख ही रही होंगी इतनी शॉप्स और इतनी चहल पहल है यहाँ पर। तो यहाँ फ्रंट साइड तो सुखना लेक के ऐसे ही पूरी है ना, हमेशा चहल पहल रहती है, क्राउड रहता है, और बहुत सही है घूमने के लिए, एक हैपनिंग प्लेस है। और ये यहाँ पे फूड कोर्ट के जो प्राइजेज़ हैं आपको दिख रहे होंगे, आप स्क्रीनशॉट लेके चेक कर सकते हो। और पूरी मेरी राइट साइड, लेफ्ट साइड, चारों तरफ शॉप्स ही शॉप्स हैं, और यहाँ पे चाट, गोलगप्पे, टिक्की, ये सब आप इंजॉय कर सकते हो। चलो अभी आगे चलते हैं। ये आ गया अपना टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर चंडीगढ़। तो ये देखो भाई सारा एरिया आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे काफ़ी शॉप्स हैं खाने पीने के लिए, तो आपको ऐसे नहीं होगा है ना, आपको जो मन कर रहा है आपके मन के हिसाब से, आप काफ़ी कुछ है, मोमोज से लेके
है ना, और चाइनीज़ फूड होता है जो, और अपना इंडियन फूड चाट हो गया। और ये बोटिंग के प्राइजेस भी अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये देखो आपके स्क्रीन पे होंगे भाई बोटिंग के प्राइजेस, अभी आप चेक कर सकते हो और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। कुछ आपको यहाँ पे 250 के टू सीटर, फोर सीटर की 500 की इंक्लूडिंग GST। तो ये आपके सामने है बोटिंग के प्राइजेस, तो ये भी आप देख सकते हो अगर आपने बोटिंग करनी है तो यहाँ से आप टिकट ले सकते हो। और इसके बाद ये देखो भाई काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, यहाँ पे आप नारियल पानी भी इंजॉय कर सकते हो, जो काफ़ी लोग यहाँ पे इंजॉय करना पसंद करते हैं, तो सही चीज़ है। पिज़्ज़ा ATM, ये भी एक आउटलेट है यहाँ पे खुला हुआ। तो आज स्कूल के बच्चे भी आ रखे हैं यहाँ पे कुछ। तो फूड कोर्ट के बिल्कुल बैक साइड ही अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है चीज़ें वो है यहाँ पे झूले बच्चों के लिए। तो देख सकते हो जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए बड़ी सही सही जगह है यहाँ पे। तो टॉय ट्रेन भी है और आपको मिनी कार्स भी मिल जाएंगी और वो छोटा झूला भी है, तो सब कुछ है यहाँ पे भाई। तो बच्चों को बड़ा पसंद आने वाला है, बहुत इन्जॉय करने वाले हैं। तो फूड कोर्ट के बैक साइड आके आप ये चीज़ें भी इन्जॉय कर सकते हो। तो चलो अभी आगे चलते हैं। तो ये वाला रेस्टोरेंट काफ़ी फेमस है भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे पक्का आकर जाना। और SBI का ATM भी आपको साथ में मिल जाएगा इस रेस्टोरेंट के साथ। तो ये यहाँ की लिस्ट, इसे चेक कर सकते हो अभी आप मेन्यू को, और साथ में ड्रिंकिंग वाटर और हैंड वॉश के लिए भी आपको फैसिलिटी है प्रॉपर। तो चलो अभी आगे चलते हैं, लेक की तरफ एंटर करते हैं। और देखो भाई सामने अभी आपको क्राउड कितना दिख ही रहा होगा मेरे सामने। और ये है यहाँ का स्टार्टिंग पॉइंट लेक का, और यहाँ से होते हुए अभी हम पूरा घूम के जाएंगे आगे। तो देखो यार कितना सुंदर लग रहा है और कितना क्राउडेड लग रहा है इस टाइम पे, और बहुत ही अच्छा लग रहा है यार। आपको भी स्क्रीन पे देख के होप करता हूँ अच्छा लग रहा होगा। तो चलो अभी आपको मैं आगे तक घुमा के लाता हूँ, पूरा आपको व्यू दिखा के लगता हूँ। ये फ्रंट साइड है लेक की, और यहाँ पर देखो नीचे बोट्स खड़ी हैं कितनी प्यारी प्यारी, जो अपने श्रीनगर वाली अगर वीडियोज़ देखी होंगी तो उस तरीके की यहाँ पे बोट्स खड़ी हैं, जिसको शिकारा बोलते हैं, तो वैसा है इसको बना के रखा हुआ है। और इसके आगे भी और बोट्स हैं, तो चलो अभी आगे चलते हैं। ये देखो भाई बोट को आप बिल्कुल पास से भी देख सकते हो। तो इनकी टिकट प्राइस भी आपको वहीं पे मिल जाएगी, आप वहाँ से पता कर सकते हो काउंटर से जो मैंने आपको पहले दिखाया है। तो ये बोट्स का प्राइस थोड़ा अलग है, क्योंकि ये बोट्स में ये थोड़ी लग्जरी बोट्स आ जाती हैं और दूसरी पैडल बोट्स हैं, तो वहाँ पे आप इनका प्राइस पता कर सकते हो। तो इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी विजिटर आ रखे हैं आज। और देखो कितना सुंदर व्यू आ रहा है भाई लेक का, बोट्स चल रही हैं। तो अगर आप कभी भी यहाँ पे चंडीगढ़ लेक पे घूमने आओगे तो आपको क्राउड ऐसा ही दिखेगा हमेशा, और चहल पहल दिखेगी आपको प्रॉपर। और कुछ स्कूल के बच्चे भी यहाँ पे घूमने आ रखे हैं, उनका ट्रिप आ रखा होगा। और ये देखो भाई सबसे बेस्ट चीज़ है जो है कि आप यहाँ पे अपना स्केच बनवा सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी पेंटर्स बैठे होंगे जिनसे आप अच्छा अच्छा अपना स्केच बनवा सकते हो, और एक यहाँ से एक याद लेके जा सकते हो यहाँ पे अगर आप आए हो। और ये दूसरी साइड यहाँ पर आ गई अभी बोटिंग, जो पैडल बोट्स हैं, पहले मैंने आपको लग्जरी बोट्स दिखाई थी, तो यहाँ से आप पैडल बोटिंग अपनी कर सकते हो। टिकट मैंने आपको पहले बता ही दिया जहाँ से आप टिकट लेके और यहाँ पे टिकट दिखा के आप यहाँ पे बोटिंग एंजॉय कर सकते हो। तो देखो कितने सारे लोग यहाँ पे बोटिंग एंजॉय कर रहे हैं और मज़े ले रहे हैं। तो चलो आगे चलते हैं। और ये देखो भाई यहाँ पे आप बैठ के एंजॉय कर सकते हो, यहाँ पे पेड़ों के नीचे भी प्रॉपर जगह बनाई हुई है जहाँ से बैठ के आप व्यू का एंजॉय कर सकते हो। अभी आपको एक पॉइंट दिखाता हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग फोटोस वगैरह खिंचवा के जाते हैं, वो है ये। तो भाई सब ने देखा होगा फोटोज़ में ये पॉइंट ना, बहुत ज़्यादा आपको भी दिखा देता हूँ। चंडीगढ़ द सिटी ऑफ पीस। और ये इसके साथ ही चंडीगढ़ का ओपन हैंड मोनूमेंट, जो कि चंडीगढ़ का एक तरह से लोगो, सिंबल कुछ भी कह सकते हो आप, तो इससे चंडीगढ़ की पहचान है। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ खिंचवा के जाते हैं। तो चलो आगे चलते हैं। और आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये देखो फोटोग्राफर भी यहाँ पे घूम रहे हैं, तो आप इनसे अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ भी खिंचवा सकते हो यहाँ पे, इनको पैसे दे के। यहाँ पे जो भी ये प्राइस बोलेंगे आप उस प्राइस में अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हो प्रॉपर DSLR कैमरे से। बाकी आजकल फ़ोन्स वगैरह तो आ ही गए हैं, तो इतने नीड भी नहीं है। तो ये देखो भाई कितनी अच्छी अच्छी यहाँ पर डक्स अभी देखने को मिली हैं मुझे, और आप भी साथ साथ में इंजॉय करो।
और ये बच्चा यार थोड़ा ज़्यादा ही पास खड़ा है, तो इतने पास मत जाने देना अगर आपके साथ छोटे बच्चे आ रहे हो तो, क्योंकि यार पानी आपको पता ही है ना कि थोड़ा डीप तो होता ही है, ये थोड़ा नहीं ज़्यादा ही डीप है, तो ध्यान रखना चाहिए, ऐसे रिस्क नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे आयो, इन्जॉय करो, दूर से देख के इन्जॉय करो। तो भाई व्यू चेक करो यार, कितना प्यारा व्यू है ना सुखना लेक का, और बड़ा ही पीसफुल सा व्यू है। इसको देख के आप चाहे आधा घंटा पौना घंटा आराम से बैठ सकते हो, और यहाँ पे बर्ड्स का भी आप नज़ारा देख सकते हो साथ में। देखो डक्स घूम रही हैं प्यारी प्यारी पानी में। तो लो भाई, अभी मैंने क्रॉस कर दिया है, ये पुलिस पोस्ट सुखना लेक के पास पहुंच गया हूँ, और मैंने आपको यहाँ से सारा फ्रंट दिखा दिया, पूरा घुमा दिया है ना, और बोटिंग जहाँ होती है वो भी दिखा दिया आपको, और जहाँ पे ड्राइंग वगैरह आप अपना स्केच बनवा सकते हो वो भी दिखा दिया है, और आप कैमल राइड कर सकते हो, और आपके सामने पूरी देखो बोटिंग हो रही है। इसके आगे अभी मैं आपको बैक साइड लेके चलता हूँ लेक की, क्योंकि आगे से मतलब यहाँ से भी आप जा सकते हो, लेकिन अभी आपको मैं दूसरे रास्ते से लेके जाऊँगा और आपको दिखाता हूँ है ना, और दूसरी साइड आपको लेके चलता हूँ बैक साइड लेक की, या मैंने आपको पूरी दिखा दी है। अभी हम इसी साइड आएंगे, लेकिन हम जाएंगे पीछे से ड्राइव करके, जो मैंने आपको मेन सड़क दिखाई है ना वहाँ से, और उस साइड पहुँचते हैं। चलो अभी चलते हैं। तो भाई अभी हम इस रोड से जाएंगे आगे, और बैक साइड लेके जाऊंगा आपको लेक के है ना। अभी कार पार्किंग से लेते हैं, और पिछली साइड भाई पार्किंग फ्री है तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्रंट मैंने आपको पूरा दिखा दिया है ना, तो बताना कैसा लगा आपको। आ जाओ, आओ भाई चलते हैं। अभी हम गोल्फ क्लब के साथ साथ ही चल रहे हैं, ये मेरे साइड पे जो वॉल है गोल्फ क्लब की ही वॉल है। यहाँ से अभी हम लेफ्ट हो जाएंगे, अभी हम स्ट्रेट आ रहे थे ना यहाँ से, तो लेफ्ट होके सीधा बिल्कुल सीधा जाना है, कहीं नहीं मुड़ना, और सामने आपको पार्क दिखेगी जहाँ पे बुद्धा जी की एक बहुत अच्छी सी मूर्ति लगाई हुई है, उसके सामने हम अपनी कार पार्क करेंगे और आगे जाएंगे। आ जाओ। तो अभी हम बिल्कुल लास्ट में आ गए हैं, और ये कार हमने पार्क कर दी है, और ये सामने है गार्डन ऑफ साइलेंस, ये देखो लिखा हुआ है बोर्ड। तो गार्डन ऑफ साइलेंस से हम होते हुए ना बैक साइड जाएंगे, यहाँ पे भी एक स्टेयर्स हैं, तो ऊपर चलते हैं। आ जाओ, और आपको पूरा दिखाता हूँ। पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, पीछे ये देखो बड़ी खुली डुली पार्किंग के दोनों साइड, आराम से लगा सकते हो। कई बार थोड़ा फुल होती है, बट अगर नॉर्मल डेज में अगर आप आओगे तो आपको नॉर्मली मिल जाएगी है ना, इतना दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी हम आ गए भाई गार्डन ऑफ साइलेंस में, ये भी लेक की बैक साइड, और यहाँ से इस गार्डन को घूमते हुए हम ऊपर जाएंगे। ये देखो ऊपर आपको दिख ही रहा होगा, तो ऊपर से जो व्यू आएगा लेक का वो बहुत ही प्यारा है। तो भाई जो चंडीगढ़ से बाहर के बंदे देख रहे हैं और आना चाहते हैं यहाँ पे, तो इस चीज़ को बिल्कुल मिस मत करना, आप सिर्फ फ्रंट साइड घूम के चले जाते हो, यहाँ पाते नहीं हो। आ जाओ भाई, सामने से ये स्टैचू देखो, मूर्ति देखो बुद्धा जी की, कितनी प्यारी लग रही है। तो बड़ा रिलैक्स फील करोगे यहाँ पे आके आप शाम को है ना। आपको बिल्कुल क्लोज से दिखा देता हूँ एक बार ये मूर्ति और ये पूरा एरिया, यहाँ पे ना काफ़ी शूटिंग वगैरह भी हो रखी है सॉन्ग्स की। तो भाई देखो कितनी प्यारी मूर्ति है ये बुद्धा जी की, और ये पूरा चारों तरफ, और सनसेट होने वाला है, बड़ा सही व्यू आ रहा है। और स्टेयर्स अभी आपको दिखाता हूँ कहाँ से है ऊपर जाने की। चलो भाई, ये आपको अच्छी लगी होगी होप करता हूँ, और जो जो बंदे अभी तक बैक साइड नहीं आए हैं घूमने लेक की, तो वो कमेंट सेक्शन में बताना, जो बाहर के बंदे देख रहे हैं। अभी हम ऊपर जाएंगे, तो भाई यहाँ से उतर के है ना, ये हमने देख ली मूर्ति, आगे चलते हैं। ये है स्टेयर्स ऊपर जाने के लिए गार्डन ऑफ साइलेंस के बिल्कुल साथ में ही, मतलब उसके अंदर ही हैं, और यहाँ से अभी हम ऊपर जाएंगे, और ऊपर जाने का रास्ता देखो कितना प्यारा लग रहा है, और रात को ना ये लाइट्स भी जगी होती हैं अगर आप रात को आते। तो भाई होप करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा है ना जो मैं दिखा रहा हूँ, और एक बार यहाँ से आपको व्यू दिखा देता हूँ गार्डन ऑफ साइलेंस का, तो कितना सही लग रहा है भाई है ना, स्टैचू बड़ा प्यारा लगता है। आगे चलते हैं। आ जाओ,
तो अभी भाई व्यू एंजॉय करना, चुपचाप मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आ जाओ तो भाई। होप करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा व्यू, कितना पीसफुल लग रहा होगा यहाँ के। तो फ्रंट साइड के मुकाबले ना जो लेक की बैक साइड है ये ज़्यादा शांत है और ज़्यादा पीसफुल है। बर्ड्स कितने बैठे हैं देखो, बर्ड्स उड़ रहे हैं भाई यार, ये लो भाई। तो भी होप करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा यहाँ का व्यू और कितना पीसफुल है यहाँ पे आपको। बाकी यार वीडियो में देख के, कैमरे में देख के ना उतना आपको पता नहीं लग रहा होगा, लेकिन आप ट्रस्ट में अगर आप यहाँ पे आओगे तो बहुत प्यारा लगेगा, है ना। और फ्रंट साइड और बैक साइड का बिल्कुल ही डिफरेंट आपको एक्सपीरियंस मिलेगा आने का। फ्रंट का एक्सपीरियंस थोड़ा होगा आपको ना, थोड़ा चहल पहल मिलेगी वहाँ पे, है ना, और हैपनिंग्स होगा, और यहाँ पे आपको पूरा पीस मिलेगा बैक साइड पे। जगह जगह भाई हट्स बनी हुई हैं यहाँ पे देखो, तो इन हट्स में बैठ के भी आप एंजॉय कर सकते हो। एक आगे भी है, तो आगे तक हट्स भी बनी हुई हैं और यहाँ पे आप जो सनसेट एंजॉय करोगे वो बहुत मज़ा आएगा, और सनसेट होने ही वाला है। तो मेरी सजेशन से भाई एक बार ज़रूर आना जो देख रहे हो, बैक साइड भी आके जाया करो लेक की, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे ही आके चले जाते हैं, है ना, यहाँ से आप सीधा अगर जाओगे तो वहीं पहुंचोगे फ्रंट साइड पे, लेकिन काफ़ी किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा, 1 या 2 किलोमीटर का ट्रैक है ये। तो भाई कमेंट सेक्शन में जाके बताना, है ना, कैसा लग रहा है अभी आपको देख के यहाँ का व्यू। और ये ट्रैक पे भी आप चल सकते हो, सीधा जा सकते हो, ट्रैकिंग कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, है ना। तो यहाँ से थोड़ा अगर आप आगे आओगे तो ये कच्चा रास्ता भी आपको दिखेगा, ये देखो साथ में ही लेक के, तो ये रास्ता भी आगे जा रहा है फॉरेस्ट एरिया की तरफ। तो यहाँ पे भी आप ट्रैक कर सकते हो, बहुत आपको नेचर के करीब फील होगा यहाँ से ट्रैक करते हुए। तो यहाँ पे भी आप जा सकते हो अंदर, अभी मैं आपको सिर्फ बाहर से दिखा रहा हूँ, तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो आप अंदर भी जा सकते हो। तो चलो इसके भी आगे चलते हैं। मैं राइट साइड आ गया हूँ जहाँ से हम स्टेयर्स ऊपर चढ़े थे, लेफ्ट साइड तो पूरी ट्रैक है आगे तक जो फ्रंट तक जाती है, और राइट साइड अभी ये है आपको जो दिख रहा है सामने। तो इसके आगे भी एक और चीज़ बनी हुई है, वो भी आपको दिखाता हूँ जाके। जब यहाँ पे ना काफ़ी बारिश हो जाती है हर एक साल, जब मानसून में बारिश होती है, तो यहाँ से वो पानी को निकाला जाता है, लेक के पानी को यहाँ से खाली किया जाता है, इनको खोलकर, जो यहाँ पे बड़े बड़े गेट्स लगे हुए हैं, इनको हेड भी बोलते हैं आई थिंक, तो इस चीज़ को खोला जाता है और पानी को निकाला जाता है लेक के। तो ये भी आप देख सकते हो आके अभी खाली है, लेकिन जब मानसून आता है तो काफ़ी पानी ऊपर तक आ जाता है मानसून में, तो इस साइड से इस पानी को निकाल दिया जाता है इन डोर्स को खोल के। देखो कितने बड़े बड़े डोर्स हैं, तो लेक के पानी को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस व्यू के साथ ही एंड करते हैं आज की वीडियो को, और होप करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और मेरे साथ घूमकर वर्चुअल टूर कर सुखना लेक का बड़ा सही लगा होगा। तो चलो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे साथ आप जुड़े रहो। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सबको बाय बाय। Looks like you lost another one.